और चीज जो आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि संकट बड़ा है, क्या आप अमेरिका के वहां के सरकारी अधिकारियों या वहां की किसी अथॉरिटीज के संपर्क में भी हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारी कंपनियों का पैसा वहां फंसा है उसके बारे में किसी तरह का कोई बातचीत आपकी हो रही है? देखिए, सरकार के अलग अलग विभाग हैं, आप जानते ही हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, यूएस सरकार के साथ उनका ऑनगोइंग डायलॉग भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये इसके लिए मुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व करना कोई जरूरी था नहीं, लेकिन मैंने हमारे जो मेटी के नेटवर्क हैं उनसे जरूर हमने संपर्क रखा था, और हम बड़े खुश थे कि कल यूएस फेड और यूएस ट्रेजरी ने एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है कि डिपॉजिटर्स इस इम्प्लोजन या इस क्लोजर से उनके उनके डिपॉजिट्स में कोई नुकसान या लॉस नहीं होगा, अनइंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड। और ये हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही एक अहम इश्यू था, और मैं बड़ा खुश हूं कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। लेकिन आज के बाद जो इश्यू ये है कि उनके डिपॉजिट्स को एक्सेस करने में अगर कोई डिले होता है, उसके कारण कोई लिक्विडिटी के इश्यूज जो आता है उनको कैसे सुलझाया जाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर हम अभी विचार करेंगे। और जैसे मैंने कहा, जो आज के कंसल्टेशन के बाद इनपुट्स आए हैं वो हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई को जरूर फॉरवर्ड करेंगे। बहुत ही